बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार में लॉकडाउन को लेकर आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले के बाद इस वक्त सीधे पत्रकारों से मुखातिब हैं। आइए देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बता रहे हैं। और अब जो बात है कि आप जानते हैं कई चीजों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक मैंने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में भी आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है, नहीं जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं जो एसेंशियल सर्विस है, जो उसकी बात हम नहीं कर रहे, बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, शाम रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक, यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा, 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक, 6 बजे बंद हो जाएगी, 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खोलें, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है, 6 बजे वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर, लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। 9 बजे रात तक वो सब लोगों के यहाँ पहुँचाना हो, कोई वहाँ से ले जाना हो, लेकिन वहाँ बैठ करके खाना नहीं। ये एक बात हो गई है साफ साफ कि उनको घर तक पहुँचाना हो पहुँचाएँ, ले जाना हो ले जाएँ 9 बजे रात तक। अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे वो जो 30 अप्रैल तक बंद थे, जो हम लोगों ने पहले तय किया था इसके मामले, इनके मामले में सभी प्रकार के सब धर्मों के सब स्थलों को जो किया गया था 30 अप्रैल तक, उसको अब बढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। वो तो स्वाभाविक चीज़ है कि दफन हो, दाह संस्कार हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो इन सब चीज़ों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है। उसको छोड़ करके बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन, दाह संस्कार, शादी, विवाह ये सब सब के लिए जो किया गया था और श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले कि जो भी करेंगे दफन और दाह संस्कार के लिए 50 का किया गया था पहले, अब उसको घटा करके 25, दफन और दाह संस्कार में 25 से ज़्यादा मत करिए। और फिर जो
शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था, अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा। कि जितना तेजी से फैल रहा है और किन्हीं को कुछ मालूम नहीं है, इसका बहुत नुकसान होगा, इसलिए इन दोनों के बारे में यह भी निर्णय लिया गया है। और इसके बाद दिन के समय भीड़ भाड़ भरे इलाके एवं सब्जी मंडी में भीड़ में कमी करने के लिए जिला पदाधिकारी बाजार एवं सब्जी मंडियों को सिलसिलेवार ढंग से स्टैगर्ड मैनर नए स्थलों पर खोलने की व्यवस्था करें। वहां पर नहीं जहां है बहुत भीड़ भाड़ होती है, अलग जगह पर उनको सुनिश्चित कराएंगे कि आप यहां पर खोलिए, यहां पर रहिए, एक ये भी व्यवस्था करने का किया गया। और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकता अनुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने होते नियमानुसार वो कार्रवाई करें। यानी एकदम बिल्कुल 144 लागू करने के लिए हर जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार जहां कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे, ये भी निर्णय ले लिया गया। तो एक जो अभी के बारे में जो निर्णय हो गया है जिसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी है, और ये सब जो है जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं इसके अलावे जैसे आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, छूट रहेगी। और ई कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगा, यानी परिवहन के बारे में जो कहा। और निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, कार्यालय के बारे में, दुकान के बारे में, किन किन चीज़ों को प्रतिबंधित करना है, किस चीज़ों को खुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा कार्यालय, कितने बजे तक चलेंगे, और रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो कि ये इंतजाम कर दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू के बारे में, तो वो भी पूरे तौर पर सब जगह के लिए लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। तो हम लोगों ने अभी ये किया है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विस्तृत रूप से आज चर्चा की है, और सब लोगों का जो सुझाव कल भी आया, सबको देखते हुए सब लोगों को ही सुझाव दिया है, प्रतिदिन एक एक चीज़ पर सक्रिय रहेंगे और उसको देखते हुए आगे भी इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा फिर उसके बारे में करेंगे। आज जितनी बातें हुई हैं आज उसके बारे में यह सब निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं पुनः दोहरा कर इस बात का कह देता हूँ कि लोगों के जांच के लिए, जो वैक्सीनेशन के लिए, इलाज के लिए, ये पूरे तौर पर अधिक से अधिक, और किसी भी प्रकार का दवा का या ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए सब तरह के प्रबंध का, इसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाएगा। बाहर से भी आएंगे, उनको काम देने के लिए भी जो करना पड़ेगा हम लोग उसमें मदद करेंगे, हर तरह से जो हमारे जितने चिकित्सक हैं और चिकित्सा सेवी जितने सब लोग हैं चिकित्सा जुड़े हुए सब लोग, उनको जैसा पहले कह दिया गया है हम लोग 1 महीने का और अतिरिक्त उनको तनख्वाह हम लोग देंगे, ये सब निर्णय ले लिया है। लेकिन एक एक चीज पर निरंतर नजर रखी जाएगी हर प्रकार से, और अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, बेड्स की संख्या बढ़ाना, ये सब के लिए पूरा का पूरी पूरी बातचीत की गई है, ताकि जिस तरह से इस बार का दृश्य है हम लोगों को पूरा का पूरा हर तरह का प्रतिबंध करना होगा, ये भी आज पूरे तौर पर बातचीत हो गई। तो यही है मुख्य रूप से, कल भी हम लोगों ने जानकारी दी थी, कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की थी, और हम लोगों ने कल ही बता दिया था उस बैठक के बाद आज के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर सारे जिलों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे, और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए ये भी, और यहाँ से भी एक गाइडलाइन, ये सारी बात हुई है। काफ़ी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज़्यादा,
और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया, और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया, और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई, तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका रूप, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे। और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले, यानी धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज़्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है, और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है उसके बाद ये सब कुछ काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज़ के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज़ जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है उसके बाद जो भी जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि आरटीपीसीआर की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है, कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है, तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया। इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए जल्दी से जल्दी, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी लोगों को दे दी जाए ताकि ससमय इलाज शुरू हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव है और उसके बाद में अगर कुछ दिन के बाद मालूम होगा तो बहुत तरह का संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है, इसलिए इसके बारे में बहुत ही ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाएगा। और जितने प्रकार के इनके इलाज के लिए इंतजाम है, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बेड, और इसमें हर तरह से जो बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, इसके बारे में सब कुछ हुआ। इसके लिए जो कुछ भी और किस तरह से करना है और क्या क्या इसके लिए प्रबंध करना है, उन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जहाँ भी होना है वहाँ पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा, ये भी बात हो गई है। और जो अन्य प्रकार की दवाएं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य प्रकार के हों, जितने तरह का है, इस सब चीज़ों के लिए उसका इंतजाम करते हुए सब का प्रबंध किया जाए। तो एक तो ये सब चीज़ है, और इस सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब बना दिया गया है ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और तेज़ी से सब काम हो। और उसी प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी उनके बारे में खबर लेना, उनका देखना, जांच करना, हर प्रकार से उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत नहीं हो और जल्दी से जल्दी उनके लिए उपलब्ध किया जाए। और कहीं भी
एम्बुलेंस की जरूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता, सब का प्रबंध कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए भी सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाए, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और उसके अलावा आप लोगों को बताया गया था, हमने बताया था एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से भी बहुत लोग आएंगे जिनको रहने की भी कोई व्यवस्था करनी हो, तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी था कि अनुमंडल स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखेंगे कि कोई होम आइसोलेशन में नहीं रहे, क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़े उनको, तो उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रबंध करने के लिए भी आज पूरे तौर पर निर्णय लिया गया है। और हर तरह का सब लोगों से विचार विमर्श लेकर के सब तरह की बात की गई और हर तरह से जो हमने बता दिया कि बाहर से भी लोग आएंगे उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की भी पूरी बात की जाएगी। और लोगों के बीच में पूरे तौर पर आखिरकार प्रचार प्रसार करके लोगों को हर तरह से और माइकिंग का बड़े पैमाने पर प्रबंध करते हुए हर जगह प्रचार करना लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि गंभीर समस्या पुनः उत्पन्न हो गई, लेकिन अभी भी सब लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो एक काम जो हम लोगों ने किया वो भी बता दें कि साहब हम लोग पंचायती राज विभाग के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे। और पिछले साल हर परिवार को जितना मास्क उपलब्ध करा रहे थे उससे भी ज़्यादा हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे ताकि वो करें। और दूसरी चीज़ है कि एक एक चीज़ का प्रचार कि भाई एक दूसरे से दूरी रखिए, मास्क पहनिए, अकारण बाहर मत जाइए, तो इन सब चीज़ों के बारे में हाथ को साफ रखिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरा का पूरा इसका इसको प्रचारित किया जाएगा माइकिंग के जरिए और पूरे तौर पर सब तरह से ये काम जो किया जाएगा। और एक निर्णय और हो गया है कि हमारे जितने जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी, तो हम लोगों ने पिछली बार ये फैसला किया था कि एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, इस बार भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है कि उनको एक माह का अतिरिक्त वेतन हम लोग देंगे। अभी फिलहाल तो कुछ ये बात की है, लेकिन और इसके अलावा एक एक चीज़ पर निरंतर नज़र, और आज जितनी बातचीत हो गई है बता दिया गया है कि कहीं भी कहीं कोई समस्या हो तो प्रतिदिन लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखेंगे और जो भी सुविधा की ज़रूरत होगी एक एक चीज़ को देखेंगे।